यूनिसेफ, आईसीसी, बीसीसीआई और शिक्षा विभाग, भारत सरकार की ये कलेक्टिव इफोर्ट से क्रायो फॉर गुड, खेल हम सभी की जिंदगी में सदैव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्पोर्ट्स आधारित, गेम आधारित नॉलेज इम्पैक्टिंग को महत्व दिया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं यूनिसेफ जैसे इंटरनेशनल एजेंसी को, आईसीसी और बीसीसीआई जैसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स बॉडी को। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इम्प्लीमेंट करने में, क्रिकेट को भी एक एनालॉजी उन्होंने बनाई है। क्रिकेट के माध्यम से विशेष करके लड़कियों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, टीम वर्क, गोल सेटिंग, एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग, ऐसे लाइफ स्किल्स को इम्पार्ट करने के लिए उन्होंने एक आर्किटेक्ट बनाया है। मैं उसकी आज उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आया था और इसे नाइस कोइंसिडेंट, जब हमारे देश में अगले सप्ताह वर्ल्ड कप शुरू होगा उसकी पहले प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है भारत में अभी वुमेन लेड डेवलपमेंट की टाइम आ चुका है, वो चंद्रयान 3 में वुमेन साइंटिस्ट की पार्टिसिपेशन हो या G20 लीडरशिप में वुमेन लेड वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करना हो, या अभी अभी भारत में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित करना हो। भारत में महिलाओं को हम सदियों से महत्व दिया है और 21वीं सदी में भी महत्व और बढ़ाया जाए और क्रिकेट की एनालॉजी के माध्यम से, क्रिकेट के उदाहरण के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से उनकी डेवलपमेंट हो, इसकी इनिशिएटिव को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। नई शिक्षा नीति आ रही है, उनमें खेल का महत्व, देखिए मैंने जैसे बताया इस इनिशिएटिव के बारे में, अभी हमारे देश में फाउंडेशनल कोहोर्ट के लिए यानी आयु 3 से आगे चल के 7 तक इस एज ग्रुप में बाल बाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 और 2 इसकी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बन रहा है उसके लिए हमने जादुई पिटोरा लाया है, मैजिक बॉक्स, बच्चों की टॉयज के प्रति, स्टोरी के प्रति, सॉन्ग के प्रति, उसके माध्यम से गणना की जानकारी, उसके माध्यम में शब्दों के साथ परिचय, फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरसी, खेल के माध्यम से आए हमारी प्रायोरिटी रही है। सभी राज्यों ने उसको इम्प्लीमेंट किया है। उससे आगे व्यक्ति की डेवलपमेंट के लिए 2 प्रिंसिपल हमने अपनाए हैं। एक, हमारी शिक्षा रूटेड होनी चाहिए, जड़ से जुड़ी होनी चाहिए। दूसरी ओर यह भविष्य को भी दिखने लायक होनी चाहिए, फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए और यह भारतीय भाषा आधारित होनी चाहिए, तब जाके बच्चे की कॉम्प्रिहेंसिव और संपूर्ण डेवलपमेंट होगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशन है, उसको हम पूरी स्पिरिट एंड लेटर्स के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।